2023 आधा खत्म हो चुका है और कुछ ही महीनों में हमें नए आईफोन सीरीज देखने को मिल जाएगी। क्या बात? लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने आईफोन रिसेंटली लिए हैं या फिर काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। बिकॉज आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ ऐसी वॉलपेपर एप्स जो हम पर्सनली यूज करते हैं, जो आप लोग हमसे वॉलपेपर्स मांगते हैं, आप दो ना। वो कहाँ पे आपको मिलेंगे, ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो विदाउट फर्दर अडू आई थिंक वी शुड स्टार्ट टुडेज वीडियो। So first app is Wally. ये one of my favorite wallpaper apps है और इसको मैं सालों से यूज कर रहा हूँ। इसका जो कैटलॉग है वो काफी यूनिक है क्योंकि ये देता है आपको एब्स्ट्रैक्ट, नियॉन, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे ऑप्शंस, कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल जाती है एंड वहां पे जाके आप अपने मन पसंदीदा वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज अ फ्री ऐप, ये आपको एप स्टोर एंड प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा एंड वॉला इसमें जो कलेक्शन है रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। एंड वॉली ऑल्सो कम्स विद एन AI वॉलपेपर मेकर, तो आप अपने प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली जो वॉली है आपके AI की मदद से वॉलपेपर्स बना देगा। दूसरी ऐप की अगर मैं बात करूं तो ये है बैकड्रॉप्स। ये भी काफी पुराना ऐप है, हेंस इसके जो डेवलपर्स है, इसके जो डिजाइनर्स है, वो काफी पॉलिश्ड वॉलपेपर्स बनाते हैं। हर एक वॉलपेपर हाई क्वालिटी वॉलपेपर होता है। इनफैक्ट अगर आप इन वॉलपेपर्स को डाउनलोड करते हैं अपने डेस्कटॉप पे भी और वहां पे यूज करते हैं एज वॉलपेपर्स इन फोटोज इन इमेजेस को, तो भी इसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होगी। इनफैक्ट अगर ये वॉलपेपर्स आप अपने फोन पे लगाते हैं तो आपको एक क्रिस्प हाई रेजोल्यूशन लुक देखने को मिलेगा ऑन योर होम स्क्रीन। मोस्टली जो बैकड्रॉप्स का कलेक्शन है वो फ्री है, लेकिन वहां पे काफी यूनिक एंड अमेजिंग वॉलपेपर्स भी हैं जो पेड है। अगर आपको उनको यूज करना है तो आपको प्रीमियम प्राइस जरूर देनी पड़ सकती है। तो आपको नहीं पसंद एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर्स, आपको चाहिए फोटोज, हाई क्वालिटी फोटोज जिसको आप एज वॉलपेपर्स यूज कर सकते हैं, तब आपके लिए मैं लाया हूँ अनस्प्लैश। ये ऐप का कैटलॉग डेली बेसिस पे अपडेट होता है। इनफैक्ट ये मैक, विंडोज, iOS, एंड्रॉइड सबके लिए ऐप अवेलेबल है। आप चाहे तो खुद की क्लिक हुई फोटोज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस ऐप। Hence, एक ओपन सोर्स आप कह सकते हैं इसको, हर कोई जाके यहाँ पे अपनी फोटोज अपलोड कर सकता है। दिस मीन्स कि इस ऐप का जो कैटलॉग है ये कभी कम नहीं होने वाला है, डेली बेसिस पे ये भरेगा। Hence, आपको रोज नई फोटोज देखने को मिलेगी जिनको आप वॉलपेपर बना सकते हैं। अनस्प्लैश में आपको एडिटोरियल्स, वॉलपेपर, 3D रेंडर्स, नेचर, टेक्सचर्स एंड पैटर्न, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर जैसे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जहां पे आपका इंटरेस्ट हो वहां पे आप जाके वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं एंड दे सकते हैं अपने आईफोन या भी कोई भी फोन को एक नया लुक। सो नेक्स्ट ऐप इज वॉलक्राफ्ट। ये भी काफी पुरानी ऐप है और काफी अच्छे रिव्यूज है ऑन ऐप स्टोर, तो आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, तो आपको एड्स देखनी पड़ती है, वहां से क्रेडिट कमा सकते हो आप एंड उन क्रेडिट को यूज कर सकते हो प्रीमियम वॉलपेपर पे। आप चाहो तो यहाँ पे भी प्रीमियम प्राइस पे करके एड्स डिसेबल कर सकते हो, हाई रेजोल्यूशन वॉलपेपर अनलॉक कर सकते हो, बट आई थिंक फुल HD वॉलपेपर इज इनफ। जितने ज्यादा वॉलपेपर का रेजोल्यूशन होगा उतना लोड आपके सिस्टम पे पड़ेगा, हेंस यूजिंग एप्ट रेजोल्यूशन ऑफ वॉलपेपर आई थिंक दैट इज द वे टू गो। सबसे तंग करने वाली चीज इस ऐप की ये है कि अगर आप एक फ्री वॉलपेपर भी डाउनलोड करते हो तो आपको काफी एड्स देखने को मिल सकती है, वो भी बार बार, तो थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है एंड हेंस आई टोल्ड यू कि अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए ऑन दिस ऐप यू शुड पे प्रीमियम फॉर दिस। सो जो नेक्स्ट ऐप है वो कोई वॉलपेपर सेंट्रिक ऐप है नहीं एंड इट इज बेसिकली यूज टू गेट मोटिवेटेड। बेसिकली जो मेरे जितने भी ग्राफिक डिजाइनर दोस्त हैं वो इस ऐप को अपना खुदा मानते हैं एंड इस ऐप का नाम है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे जाके आप कोई भी अच्छा वॉलपेपर सर्च कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज सर्च द राइट प्रॉम्प्ट एंड पिंटरेस्ट आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। इनफैक्ट पिंटरेस्ट पे भी कभी ना खत्म होने वाली लाइब्रेरी कैटलॉग मिल जाएगा आपको, बिकॉज हर दिन वो अपडेट होता है, कोई ना कोई डिजाइनर अपना आर्टवर्क वहां पे पब्लिश करता रहता है। हेंस आपको वहां पे अच्छी क्वालिटी के यूनिक वॉलपेपर जरूर से मिल जाएंगे एंड द बेस्ट पार्ट इज वहां पे आपको कोई भी प्रीमियम प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। द ऐप इज फ्री, वॉलपेपर्स आर फ्री, सो डाउनलोड इट एंड यूज इट ताकि आप अपने आईफोन को एक नया लुक दे सके। सो अभी तक मैंने जितनी भी आपको एप्स बताई हैं वो या तो फोटोज है या तो एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर्स आपको प्रोवाइड करेगी या तो नियॉन, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाट नॉट एल्स। बट अगर आपको पसंद है ग्रेडियंट वॉलपेपर्स तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको चले जाना है ऐप स्टोर पर, डाउनलोड कर लेना है ब्लेयर ऐप जिसकी मदद से आप अपने कस्टम ग्रेडियंट वॉलपेपर्स बना सकते हो।
ये ऐप काफी अच्छा है। बाय सिंगल टच यू कैन टॉगल बिटवीन मल्टीपल वॉलपेपर्स, या तो फिर आप खुद का भी वॉलपेपर यहाँ पे ऐड करके उस पर ब्लर लगा के अच्छा सा ग्रेडियंट बना सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड एक और रीजन कि ये ऐप काफी लाइट है, काफी हल्का है, आपके सिस्टम पे इतना लोड नहीं आने देगा। तो आप कोई भी अपनी फोटो खींच के जिसको आपको ब्लर लगाना है वो इसमें इंपोर्ट कीजिए, वहां पे ब्लर लगाइए, इंटेंसिटी सेट कीजिए, एंड वॉला आपका एक जबरदस्त वॉलपेपर तैयार हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो जो नेक्स्ट ऐप है ना, ये आपको तुरंत डाउनलोड कर लेनी चाहिए, और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आपको इसको डाउनलोड करना चाहिए और करना चाहिए। अच्छा, और वो ऐप है IGB ऐप। मोस्टली आपको लगता है कि IGB ऐप पे ओनली एवरीथिंग एप्पल का कंटेंट आता है, बट नहीं, वहाँ पे आपको काफी यूनिक वॉलपेपर्स भी मिल जाते हैं। हमारे इन हाउस डिजाइनर्स हैं, काफी मेहनत करते हैं और अच्छे वॉलपेपर्स तैयार करते हैं ताकि आप लोग उसको यूज कर पाए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो टू ऐप स्टोर, डाउनलोड IGB ऐप एंड एंजॉय एवरीथिंग एप्पल और साथ ही साथ अमेजिंग वॉलपेपर्स। तो ये तो बात हो गई उन ऐप्स की जो आपको स्पेसिफिकली अच्छे वॉलपेपर्स दे देते हैं, लेकिन मैं एक आपको राज की बात बताता हूँ। मैं पर्सनली कोई इतनी ज्यादा ये ऐप्स यूज नहीं करता, मैं जाता हूँ रेडिट के फोरम्स पे, वहाँ पे आपको यूनिक अमेजिंग वॉलपेपर्स मिल जाते हैं फॉर योर एम्बुलेट स्क्रीन, एंड दैट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। सो पहला फोरम है एम्बुलेट बैकग्राउंड, एंड एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपको एम्बुलेट वॉलपेपर्स ही मिलेंगे जो कि मोस्टली पिच ब्लैक होंगे, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी बैटरी सेविंग जरूर होगी इफ यू आर यूजिंग एम्बुलेट स्क्रीन डिवाइस। और दूसरा फोरम है वॉलपेपर्स के नाम से, यहाँ पे भी आपको काफी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। रेडिट पे जाके r/wallpapers और r/amoled backgrounds ये ही सर्च करना है, आपके लिए दोनों ही फोरम्स एक्सेसिबल होंगे। सब आपको पता लग गया ना कि हम लोग वॉलपेपर्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो अब आप भी जाके वहां से वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने आईफोन को एक नया लुक। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते जाना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाओ। जाते जाते एक और चीज, कमेंट सेक्शन में को बता के जाइएगा कि आप इनमें से कौन सी ऐप या फिर फॉरम यूज करते हैं, राइट? और सब चीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एंड ऑन दिस नोट, दिस इज मी समीर साइनिंग ऑफ एंड आई वांट टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, या बाय।